सो हेलो गाइस, यहाँ पर आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण 53 गेमिंग में स्वागत है। तो गाइस, यहाँ पर आज के वीडियो में हम फिर से खेलने वाले हैं मैक अरेना। और गाइस, यहाँ पर आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो है गाइस, आप लोगों ने सुना ही होगा मैक अरेना का कस्टम बैटल फीचर आने वाला है नेक्स्ट वाले अपडेट में, जो कि मतलब कि कुछ ही दिनों के बाद अभी आने वाला है वो अपडेट। तो गाइस, उस फीचर के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी पूरी जानकारी मिलने वाली, मतलब कि उस फीचर में क्या होगा, क्या उसका रिवॉर्ड होगा, मतलब कि उसको आप कैसे खेल सकते हो, सब कुछ मतलब कि आएगा, मतलब कि सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में। तो गाइस, यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड गाइस यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको जो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, वो मतलब कि मैक अरेना का जो ऑफिशियल पेज है, फेसबुक पेज, उस पर उन्होंने एक पोस्ट डाला है, उसके मुताबिक ही बता रहा हूँ। तो गाइस, ऐसा मत समझना कि कोई गलत बात बता रहा हूँ या फिर मैं फेंक रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं, बट मैं आपको जितना मुझे पता है उतनी ही मतलब कि जानकारी दूंगा। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कस्टम बैटल का जो फीचर है वो आपको कैसे मिलेगा, मतलब कि आप कैसे इसको खेल पाओगे अपडेट आने के बाद। तो गाइस, यहाँ पर मैक अरेना वालों ने वो बैटल खेलने के लिए, मतलब कि कस्टम बैटल खेलने के लिए एक लिमिट सेट की है। आपकी एक्सपी जो है वो 12,800 यानी कि 12,800 के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद जब उस एक्सपी को आप क्रॉस कर दोगे, उसके बाद ही वो अनलॉक होगा जो कस्टम बैटल का जो फीचर है। एंड गाइस, जो प्राइस पथ है उसमें ही एक्सपी शो करता है, आप सभी को पता है, तो उसमें ही 12,800 की एक्सपी हमें करनी पड़ेगी। जिसने की हुई है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शायद अपडेट के बाद मैक अरेना ऐसा भी कर दे कि एक्सपी इरेज भी कर दे या फिर कुछ भी कर दे, मतलब कि कुछ उसमें प्राइस पथ में भी कुछ चेंजेस कर दे, तो वो मुझे नहीं पता, बट ऐसा हो सकता है। एंड गाइस, यहाँ पर उसमें क्या क्या आएगा, तो उसमें तो सबसे पहले आप प्लेयर्स चुन पाओगे, मतलब कि अपने जैसे कि आप टीम मैच में खेलते हो उसमें आप प्लेयर्स चुन पाते हो, और गाइस उसमें आप एक मैप भी चुन पाओगे, मतलब कि आप कोई भी मैप, जैसे कि मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा मैक अरेना का और मतलब कि एक मेसा वर्ल्ड एनएक्स, तो मुझे वो दो मैप ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसमें अगर खेलना चाहता हूँ तो उसमें मैप सेलेक्ट कर पाऊँगा, ये सब फीचर है। और उसमें आप बॉट्स भी ऐड कर सकते हो, कोई और प्लेयर 1v1 ऐसे कुछ कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पर ऐसी बैटल रहेगी। एंड गाइस, एक और इसकी लिमिट है कि यहाँ पर उसमें जो रिवॉर्ड मिलेंगे, मतलब कि जो हमारे जो डेली चैलेंजेस होती है उसमें काउंट नहीं होगा, मतलब कि उसमें जो एक्सपी गेम होगी वो हमारे जो डेली चैलेंजेस होते हैं या फिर इवेंट, उसमें काउंट नहीं होने वाली। उसके लिए कुछ अलग रिवॉर्ड रखा है उन्होंने, ऐसा उन्होंने बोला है अपने पेज में, तो आप देखते अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या रिवॉर्ड है। तो गाइस, ये थी कुछ जानकारी जो कि कस्टम बैटल फीचर के बारे में थी। तो गाइस, यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है, मतलब कि 1.23, उसमें ये मोड आ जाएगा। तो हम जैसे ही आ जाएगा, मतलब कि अब कुछ ही दिनों में आने वाला है, मतलब कि जून के फर्स्ट पास्ट में ऐसा उन्होंने बोला था। तो गाइस, अब ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही आ जाएगा, और उसके बाद तो मतलब कि मजे ही मजे। तो गाइस, यहाँ पर आपको ये कैसा लगा फीचर, आपको कुछ अगर क्वेश्चन मतलब कि कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो गाइस, मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है प्रवीण 53 गेमिंग, आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस, यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड गाइस यहाँ पर मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो।